नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम अली और आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी। काफी दिनों के बाद आई हूं मैं, और अकेली नहीं आई हूं, एक ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेकर के आई हूं जो कि बाहर रहती हैं, अमेरिका एनआरआई हैं, अमेरिका में ह्यूस्टन में रहती है और हमारी बोलो जिंदगी की ब्रांड एम्बेसडर भी है, जो वहाँ रह करके हमारे कामों को लोगों तक पहुँचाती है और बहुत सारी एक्टिविटी लाइक बिजनेस वुमेन भी है, ये सोशल एक्टिव सोशल चीज़ों में भी काफ़ी एक्टिव है ये, और हमारे बिहार के कल्चर को भी होल्ड करके रखा हुआ है। तो आइए हम लोग इनका स्वागत करते हैं, संध्या सिंह जी का बहुत बहुत वेलकम है आपका बोलो जिंदगी के स्टूडियो में, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ आई और मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला है। तो बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि आप काफ़ी सालों से बाहर रह रही हैं, वहाँ का जो आपने देखा है कल्चर, आपके बच्चे भी बड़े हुए वहाँ पर, सब कुछ आपने देखा वहाँ पे, आप बिजनेस भी करती हैं और मैंने सुना है काफ़ी सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहती हैं, तो वहाँ और यहाँ में, यहाँ का भी परिवेश आपने देखा है, आपका बचपन यहाँ गुजरा जी, तो क्या आप अंतर देख रही हैं इन दोनों में, कैसा लगता है आपको? कोई खास अंतर तो नहीं है, मतलब अब हम वहाँ भी, अब आजकल मतलब इंडियंस तो बड़े पड़े हैं अमेरिका में, खासकर बिहारी लोग ह्यूस्टन में। हम लोगों ने एक बिहार एसोसिएशन का ये बना दिया है, एक ग्रुप ही बनाया हुआ है। तो हम लोग तो गए हुए, हमको एक्चुअली 42 ईयर हो गए। तो 42 ईयर पहले तो जस्ट गए तो थोड़ा कुछ दिन नौकरी किए, फिर अपना बिजनेस वगैरह किए, बाद में बच्चे बड़े हो गए, बिजनेस संभाल लिया। तो भाई क्या करो, अपने कल्चर के लोगों को जोड़ना, बिहारी लोगों को जोड़ना, बोलो जिंदगी का मतलब थोड़ा प्रचार प्रसार करना। यहाँ पे मैं रोकूंगी, बोलो जिंदगी से जब आप जुड़ी तो कैसे जुड़ी, क्या आपने देखा कि आपको लगा कि हाँ इसके इनके साथ मिलकर के हमको भी कुछ करना चाहिए, कैसे आपके ध्यान में? हाँ, इन लोगों का काम मैं देखती थी, ये लोग बहुत ज़्यादा आर्ट कल्चर और गरीब लोगों का भी, अभी तो कोरोना में भी बोलो जिंदगी लोग बहुत अच्छा काम किए, मैं वहाँ से भी बहुत इन लोगों को शाबाशी देती रहती थी। वहाँ भी मैंने बहुत सारे दोस्तों को ये सब बताया, तो जिंदगी बहुत अच्छी काम कर रही है। तो गरीबों को, जो रिक्शा पेडलर हैं, जो दाई लोग हैं, जो घर में जो काम करती थी, बिल्कुल उनको बिल्कुल छुड़ा दिया गया था। बिल्कुल, हमें हमें इसकी पूरी जानकारी है कि आप वहाँ से रह करके भी हमारे काम की भी सराहना कर रही थी और हमारे काम को सपोर्ट भी कर रही थी। तो ये तो हो गया आपका सोशल, और भी मैंने सुना है कि वहाँ पे भी आप काफी चीजों में इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को और क्या क्या करती हैं आप? कोई खास नहीं, मतलब थोड़े मंदिर वगैरह से जुड़े हैं, जैसे बोर्ड डायरेक्टर, अभी तो नहीं है, अभी मैं हट गई हूँ, कह के भी थोड़ा यंग लोगों को आगे लाना था। हिंदू वर्शिप सोसाइटी में काफ़ी सालों तक बोर्ड डायरेक्टर रही, अभी एक हनुमान मंदिर बन रहा है उसमें भी मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, फिर एक शिव दुर्गा काली मंदिर बन रहा है उसमें भी मैं काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। और जो स्टूडेंट जैसे यहाँ से, बिहार से ही नहीं, इंडिया से कोई भी स्टूडेंट जाते हैं तो उनको नौकरी दिलाना या अपने दुकान में कहीं लगवा दिया, खाने पीने का थोड़ा सा कर दिया। तो ऐसे 20-22 बच्चे हैं जिनको ग्रीन कार्ड लेना और पढ़ाई करके निकलते हैं। तो ये छोटा मोटा जैसे जो जितना हमसे हो सकता है मैं सोशल वर्क करती रहती हूँ। वाह, बहुत अच्छी चीज़ आपका, बहुत अच्छा कर रही है कि अपने देश से दूर रह करके भी जो हमारे देश के लोग हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं। और हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आप जो कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप वहाँ की देखते हैं हमारे यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से, तो उनका पूरा श्रेय इनको जाता है। ये वहाँ से हमें वहाँ जो भी फेस्टिवल्स होते हैं या जो भी वहाँ पे पूजा किया उन्होंने या छठ मनाया वहाँ पर, तो उसका जो तरीका है और वहाँ पे लोग कैसे इकट्ठे होते हैं, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इनके थ्रू ही मिलता है। और वहाँ पर ये काफ़ी हर चीज़ में एक्टिव है, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो या मंदिर में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें लोगों की मदद करना, और इनका स्कूल भी है वहाँ पर, तो बहुत एक्टिव वुमेन हम कहेंगे कि बहुत एक्टिव वुमेन है। तो अभी आप जैसे बिहार में, मैंने सुना है कि आप आती रहती हैं, तो अभी यहाँ पे जो आ रहे हैं, अभी आपने बोला कि सेम कल्चर है वहाँ और यहाँ बिहारी मिल जाते, फिर भी कुछ यहाँ की आपको कौन सी चीज़ जो आप वहाँ मिस करते हैं,
जो आपको लगता है कि यहाँ भी ऐसा होता तो अच्छा होता? फैमिली, जैसे हम लोग तो अकेले, अब खुद ही हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे रहे, यहाँ पे है कि फैमिली बड़ी है और हर नुक्कड़ पे अपने लोग, मतलब वहाँ बहुत कम, जब कोई कल्चर प्रोग्राम होता है या कोई मंदिर में ऐसा कुछ होता है तभी तो मिलना होता है, नहीं तो बस ये ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग का है कि बड़ी फैमिली, जैसे हर हर कोई साथ में बिल्कुल बड़े हो बिल्कुल रहे हैं। हमारे इंडिया में और यही खान पीन भी, मतलब वैसे तो मिलता सब कुछ है अमेरिका में, पर यहाँ का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वहाँ डिफरेंट का हो खाना जाता और यहाँ है का खाना। यहाँ का तो खाना, खाना मिस करते हैं और यहाँ की फैमिली मिस करते हैं, जो मिस कि मुझे करते लगता है हैं। जो भी दूर रहता है अपने परिवार से वो मिस करता ही होगा। अच्छा, मैंने आपके बारे में एक चीज और सुनी है कि कुछ साल पहले आपको यहाँ बिहार में झांसी की रानी का अवार्ड मिला था, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी? आई थिंक इस 5 से 7 साल पहले ये मेरे को अवार्ड मिला था, उसके पहले और 3-4 साल उसके पीछे बैक चले जाओ तो वही लड़कियों को आगे बढ़ाना, पढ़ाई के लिए उत्साह करना, ट्रेन पे जैसे लड़कियां जा रही थी कुछ गुंडे जैसे छेड़ रहे थे तो माल कुटाई हुई तो काफ़ी वायरल हो गया, तो सीता साहू अपने बिहार के मेयर बुला के काफ़ी हमको झांसी मतलब रानी बोल्ड अवार्ड आप मिला। शुरू से रही हैं, बहुत बोल्ड, हाँ और आपने शायद अपना एजुकेशन यही वुमेन्स कॉलेज से ही कंप्लीट किया है। जी तो ये भी जान लें कि भाई ये हमारी देश की बेटी है और हमारे बिहार की बेटी है। बेशक ये अब ये वहाँ बस गई हैं, लेकिन इनका दिल और पूरा पूरी तरह से ये अभी भी हमारे बिहारी देश की है और बिहारी है। है। तो मैं काफ़ी चीज़ें आप करवाती हैं, मैं ये भी सुना है कि आपने कुछ लड़कियों की शादियाँ भी कराई हैं, पढ़ाई में भी मदद करती हैं। तो एज अ फीमेल, क्योंकि आपने दोनों परिवेश देखा है, विदेश में भी और देश में भी, हमारी लड़कियों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, तो बस जाते जाते मैं एक चाहूंगी कि आप एक लास्ट अपना कुछ संदेश दें जिससे और लोग मोटिवेट हो। क्योंकि देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी यहीं की हैं, कोई बोलता नहीं कि भाई हमने हमारे अंदर ये हमने ये नहीं किया तो हम कैसे चले जाए। आप यहीं की हैं, आपने मेहनत किया और अपनी मेहनत के बल पे आप यहाँ तक आई। तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को, मोस्टली या अभी जो यंग जनरेशन है, हमारी लड़कियां हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी तो जो उनको मोटिवेट करें? मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा पढ़ लिख के भी लोग हैं, लड़कियों को बहुत पहले इतना नहीं पढ़ने दिया जाता था, दहेज का प्रथा ये वो, तो हर साल आना, एक दो तो लड़कियों की शादी करा देना, ये करते 20-25 लड़कियों का तो अभी तक मैंने करा दिया। तो मेरा संदेश लड़कियों के लिए ये है कि पढ़ाई करो, अपने पैरों पे खड़ी हो और मतलब बोल्ड बनो, इंडिपेंडेंट चाहे होना तुम देश जरूरी में है। रहो या विदेश में रहो, इंडिपेंडेंट रहो। बिल्कुल बिल्कुल कि तब तो हमारे जैसे लोग आकर दहेज दे के और थोड़ा पैसा दे के शादियां कराने की जरूरत ना पड़े, बिल्कुल। मतलब मेरा ये संदेश मैं लड़कियों के संध्या लिए जी है। की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें, हमारे आज के यूथ हो, चाहे वो युवा हो या युवती हो, उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, लड़कियों का खास तौर से। और हमारे युवाओं को चाहिए कि जैसा ये बता रही है कि दहेज शुरुआत उन्हीं को करनी पड़ेगी, कि वो दहेज ना ले तभी लड़की वाले दहेज नहीं देंगे। ये बस एक छोटा सा मैसेज था जो बस बातों बातों में यहाँ निकल के आया। बट हाँ, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचार जान करके। आई होप आपसे कुछ लोग इंस्पायर हो, और जैसे थैंक यू, आप बाहर रह करके यहाँ के लिए सोचती हैं और लोग भी सोच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोलो ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच।